हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में हमारे 3 केस लगे हुए थे। एक को तो वैसे विड्रॉ कर लिया गया था, लेकिन फिर भी उसकी लिस्टिंग दिखा रहा था। तो अभी तक फिलहाल जितने भी इनपुट्स आए हैं उसके हिसाब से वो तो डिस्पोज आपकी विमल कुमार वाली कर ली गई है, और एक आकाश कोहली सर वाली रिट थी क्योंकि वो 21 नवंबर से बात की थी, तो उस पर भी कुछ खास हुआ नहीं, वो आके और एकदम डिस्पोज ही हो गई। तो इन दो का कोई मतलब नहीं है। मेन जो रिट थी हमारी वो थी 51/13/2023, ठीक है। इस पे देखिए लगभग काफी देर तक सुनवाई चली, और इसमें आपका विंध्याचल वाला प्रश्न चैलेंज है केवल। मुकेश कुमार सर और अनदर दो लोगों ने मिलकर ये डाली थी। इसमें लगभग आप देखिए कम से कम 15 मिनट इसमें सुनवाई चली आज, ठीक है। उसके बाद इसमें लास्ट में क्या हुआ है, अभी इसमें फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। यह आपका सीरियल नंबर 62 पर लगा हुआ था, एडिशनल में इसकी मेंशनिंग कराई गई थी। इसमें देखिए जब सुनवाई हुई उसके बाद एक ऑर्डर आया था रणविजय सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2018 में सुप्रीम कोर्ट में। उसमें एक जजमेंट को साइट किया गया है कि जो विपक्षी दल है उन्होंने कहा है कि हमें इस जजमेंट को पढ़ने के लिए टाइम दीजिए। एक चीज इसमें अच्छी हो गई है कि डेट आपकी नई नहीं मिलेगी, आपको कल 2 बजे के बाद दोबारा से इसी कोर्ट नंबर 35 में बुलाया गया है। तो पहली चीज तो यही है आपके लिए, 51/13 का अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया, कल 2 बजे के आसपास इसका फाइनल डिसीजन आने की उम्मीद है। अभी कोर्ट ने टाइम मांगा है, माफ कीजिए, याची पक्ष ने टाइम मांगा है रणविजय सिंह वाले ऑर्डर को पढ़ने के लिए। वो ऑर्डर देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, उसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और वो बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। जब भी आंसर की से रिलेटेड डिस्प्यूट आते हैं उसमें कमीशन को क्या करना चाहिए, उस तरीके की बातें उस ऑर्डर में है, वो मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूं। ये देखिए पॉइंट नंबर 9 अगर आप पढ़ेंगे, ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया है, काफी ग्रुप्स में ये चला भी गया होगा अब तक। रणविजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स 2018 द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व एज अंडर। ये देखिए ऑर्डर, मैं आपको बताऊं ये ऑर्डर जो हमारा अभी सोलर वाला प्रश्न चैलेंज हुआ था SPLAD 112/2024 उसमें भी ये साइट किया गया है, उसी का मैंने ये एक्सेप्ट निकाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या है, द लॉ ऑन द सब्जेक्ट इज देयरफॉर क्वाइट क्लियर एंड वी ओनली प्रपोज टू हाईलाइट अ फ्यू सिग्निफिकेंट कंक्लूजंस दे आर। अगर आप पढ़ेंगे, इन इफ अ स्टैट्यूट रूल और रेगुलेशन गवर्निंग एन एग्जामिनेशन परमिट्स दैट री इवेल्युएशन ऑफ एन आंसर शीट और स्क्रूटनी ऑफ एन आंसर शीट एज अ मैटर ऑफ राइट देन अथॉरिटी कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन में परमिटेड। तो ये आयोग को अधिकार है कि वो इसको परमिट कर सकता है अगर स्क्रूटनी करनी है, रिवैल्यूएट करना है आंसर शीट को। पहला पॉइंट इस जजमेंट का ये था, इफ अ स्टैट्यूट रूल और रेगुलेशन गवर्निंग एन एग्जामिनेशन डज नॉट परमिट री एवेल्युएशन और स्क्रूटनी ऑफ एन आंसर शीट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रोहिबिटिंग इट देन द कोर्ट में परमिट री एवेल्युएशन और स्क्रूटनी ओनली इफ इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड वेरी क्लियरली विदाउट एनी इन्फरेंशियल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग और बाय अ प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन एंड ओनली इन रेयर एक्सेप्शनल केसेस दैट अ मटीरियल एरर हैज बीन कमिटेड। जब उन्हें लगता है केवल उसी केस में कोर्ट ये परमिट कर सकता है जब उन्हें लगता है कोई मटीरियल एरर इसमें हुई थी, जो हमारा यहां पर कोई मतलब है नहीं। मेन जो पॉइंट है वो है यहां से, ठीक है। तीसरा, द कोर्ट शुड नॉट एट ऑल री इवेल्युएट और स्क्रूटनाइज द आंसर शीट ऑफ अ कैंडिडेट, इट हैज नो एक्सपर्टीज इन द मैटर एंड अकेडमिक मैटर्स आर बेस्ट लेफ्ट टू अकेडमिक्स। देखिए पहली बात, कोर्ट को इस तरीके के रीवैल्यूएशन में, जैसे इसमें बात की जा रही है कि आंसर गलत है, इस तरीके की चीजों पर या स्क्रूटनाइज द आंसर शीट, इसके ऊपर कोई भी वर्डिक्ट हम कह सकते हैं उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट को जुडिशियल मैटर्स में एक्सपर्टीज होती है, अकेडमिक मैटर्स में कोर्ट के पास एक्सपर्टीज नहीं है। जो आयोग की एक्सपर्ट पैनल होता है उसके ऊपर इसको छोड़ देना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, द कोर्ट शुड प्रज्यूम दैट द करेक्टनेस ऑफ द आंसर द करेक्टनेस ऑफ द की आंसर्स एंड प्रोसीड ऑन दैट अजम्पशन। इसमें देखिए दूसरी चीज ये बोला गई है, जो आयोग के एक्सपर्ट ने आंसर दिया गया है कोर्ट को ये प्रज्यूम करना चाहिए, यानी कोर्ट को ये मानना चाहिए कि वो थॉरो इवेल्युएशन यानी काफी ज्यादा गहन चिंतन मनन के बाद वो आंसर की तैयार की गई है, और कोर्ट को अपने माइंड में हमेशा ये बात रखनी चाहिए और उसी पर कोर्ट को आगे बढ़ना चाहिए, इसी एजम्पशन पर, इसी मान्यता पर कोर्ट को आगे बढ़ना चाहिए कि जो आंसर की बनाई गई है एक्सपर्ट पैनल द्वारा वो सही होगी। और तीसरा, और देखिए जो 5वां इसका अंतिम पॉइंट है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन द इवेंट ऑफ अ डाउट द बेनिफिट शुड गो टू द एग्जामिनेशन अथॉरिटी रेदर देन टू द कैंडिडेट। अगर किसी आंसर के या किसी आंसर की मैं आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डाउट होता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी को जाएगा, जो यहां पर कमीशन है, कैंडिडेट के पास ये हम कह सकते हैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा। तो यहां पर जो विंध्याचल वाला प्रश्न चैलेंज है जिसको कैंडिडेट ये चैलेंज कर रहे हैं, अगर उसमें डाउट होता है तो वो जो
बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, वो कमीशन को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ कि ये मैं कहूंगा फॉर्मेलिटी है, कल मुझे लगता है जहां तक है ये आयोग के फेवर में डिसीजन जाएगा, क्योंकि अगर रणविजय सिंह वाले ऑर्डर को पढ़ने की बात की गई है तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, लास्ट के 3 पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो वो क्लियरली बताता है कि अगर कहीं भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है या कहीं भी अगर डाउट होता है किसी क्वेश्चन को लेकर, तो जो रूल वगैरह है या जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के, वो इस तरीके के हैं कि ज़्यादा बेनिफिट आपका आयोग की तरफ या जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है उसकी तरफ ही ये वर्डिक्ट जाएगा। तो इसके मैं लाइट में आपको बता रहा हूँ, तो आप देख लीजिए ये पूरा ऑर्डर था। ये कल 2 बजे के आसपास, मुझे लगता है 2:30 बजे तक ये रिट फाइनल आपकी हो जाएगी। बाकी औरों का स्टेटस जैसे ही आएगा वो भी मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से दिखा दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा हुआ है, कहीं आपको शेयर करना हो तो आप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।